धीरज सजनी लेकिन मुझे गुलाल नजर नहीं आ रहा है आई वाज लाइक मुझे पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है स्टेटमेंट कि गुलाल कैसे नजर आएगा कॉटेज uh, भी uh, बनाया गया था सलमान सर के लिए जहाँ पर वो रहते थे सुख दुख झूठे धन भी झूठा झूठी मोमाया सच है तो सिर्फ इनकी आवाज़ और इनकी सादगी जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पलक मुछल की वेलकम पलक 75 इयर्स में आपका स्वागत है <laughs> पलक मैं चाहूंगा कि आप अपने ऑडियंस को ये लाइंस एक बार गाकर सुना दें जी hmm, सुख दुख झूठे धन भी झूठा झूठी मोमाया प्रेम रतन पाया प्रेम रतन पाया वेरी नाइस बोले क्या रिएक्शन था आपका जब ये गाना आप तक पहुंचा आपने ये गाना पहली बार सुना मैं सच में तृप्त हो गई थी आ, जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं प्रेम रतन धन पायो की आवाज़ बनने वाली हूँ बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए बहुत स्पेशल बात थी बिकॉज़ कुछ प्रोडक्शंस अपने म्यूज़िक के लिए फेमस हैं और उनमें से आ, सबसे ऊपर जो नाम है उनमें राजश्री भी है एंड uh, हमेशा से मैं सुनते आई थी कि सूरज सर अपनी म्यूज़िक पर बहुत ध्यान देते हैं पर्सनली इन्वॉल्व होकर वो हर डिसीजन लेते हैं सो आई वॉज रियली हैप्पी कि फर्स्टली uh, मुझे प्रेम रतन की आवाज़ के तौर पर चुना गया सेकेंडली uh, गाना uh, हिमेश जी ने जो बनाया बहुत ही मधुर लगा इतना गाना हिट हुआ है लोगों ने इतना प्यार दिया है सोचा था आपने कि इतना प्यार मिलेगा इस गाने को इस बार सोचा था <laughs> इस बार एक्चुअली द होल वाइब जो आ, वहाँ पर एनर्जी क्रिएट हुई थी एक जो एटमोसफियर बन गया था उससे ऐसा लग रहा था कि ये गाना बहुत पसंद किया जाएगा लोगों तक आ, लोगों को कनेक्ट करेगा एंड आई वॉज़ रियली हैप्पी बिकॉज जब ये गाना रिलीज़ हुआ तब एक अलग ही एक अलग ही फेस्टिवल जैसा माहौल छा गया था इनफैक्ट जब मैं अपने यू एस टोर पर गई आ, तब एक भी कॉन्सर्ट ऐसा नहीं हुआ इनफैक्ट आज भी आज तक ऐसा भी कोई एक, एक भी ऐसा कॉन्सर्ट नहीं रहा है जहाँ पर मैंने ये गाना सिर्फ एक बार हो लोग बार बार सुनना चाहते हैं वो स्टेप जो शबीना जी ने कोरियोग्राफ किया वो बहुत फेमस हुआ था सो वो सो हैप्पी कि आ, जितना हमने इमेजिन किया था उससे कई ज्यादा गुना प्यार मिला किस तरीके की तैयारी थी इस गाने को लेकर अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या जिस तरीके से आपने रिएक्शन तो आपने बता दिया ये गाना पहुँचा कैसे आप तक Uh, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि uh, किसका डिसीजन था कि मैं गाना गाऊं लेकिन मुझे कॉल हिमेशी का आया uh, मैं बहुत सारे गाने उनके लिए रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त और उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया मैं स्टूडियो पहुंची तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले सूरज सर को देखा एंड सूरज सर के साथ uh, बाबू भी थे और uh, राजी uh, की टीम से कुछ सात आठ लोग और भी बैठे हुए थे तो पूरा कमरा भरा हुआ था इन सब मेरी तरफ़ देख रहे थे और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कौन से गाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है लेकिन उस वक्त एक न्यूज़ चल रही थी कि हमें प्रेम रतन धन पायो के लिए एक आवाज़ की तलाश है तो मुझे लगा शायद ये उस फिल्म के लिए है देन गाने के पहले सूरज ने मुझे पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाई नरेट की एंड uh, जो कैरेक्टर था मैथिली उसके बारे उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए इनफैक्ट उस पूरे uh, प्रेम रतन धन पायो की जर्नी से जो मैंने बातें सीखी वो आज तक मेरे काम आ रही जैसे एक दो अगर आप बताना चाहें जो आपने सीखा उनसे uh, सबसे पहले तो सूरज सर की uh, विनम्रता yeah. उनकी सरलता उनकी सच्चाई uh, वो मुझे बहुत छू जाती थी एंड जिस तरह uh, वो हर एक मोमेंट पर हर एक स्टेप uh, पर इन्वॉल्व रहते थे पैशनेटली uh, हर एक गाने मैंने चार गाने गाए हैं फिल्म में सो दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग वो मुझे भी इंस्पायर करता था कि मेरा हंड्रेड uh, परसेंट नहीं टू हंड्रेड परसेंट दो में और राज बाबू के भी जो इनपुट्स थे पूरे प्रोसेस में वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी लोग राश्य की टीम से आते थे भले ही एक टेक सूरज सर को पसंद आ गया हो ही वुड लुक एट एवरीबडी और जब तक सबका अप्रूवल नहीं मिलता था वो लाइन फाइनल नहीं होती थी सो uh, so अगर किसी एक ने भी ऐसा कह दिया कि ओके okay, थोड़ा बेटर हो सकता है देन वी वुड टेक द लाइन अगेन एंड प्रेम रतन हमने uh, पार्ट्स पार्ट्स में रिकॉर्ड करके बिकॉज पहले हमने जब पूरा गाना रिकॉर्ड किया वो एक दूसरे स्केल में था देन सूरज और थॉट दैट मे बी अगर थोड़ा हायर स्केल पे होगा तो साउंड ब्राइटर तो ऐसे स्केल चेंज कर कर करके टोटली हमने कुछ पंद्रह सोलह घंटे में गाना रिकॉर्ड किया अलग अलग दिन पर सो या अ सरियल एक्सपीरियंस ओके किस तरीके का आपका इंट्रैक्शन था उनके साथ में सूरज जी के साथ में अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी वो विनम्रता से बात करते हैं काफ़ी स्लोली वो बात करते हैं एक एक चीज़ को समझाते हैं yeah. तो आपका कैसा इंटरेक्शन था कुछ ऐसी कोई याद है रही आपकी उनके साथ सामने जब मैंने पहली बार गाना सुना हिमेश जी आ, को मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है मेरे लिए बहुत आ, ख, मेरी भी है लेकिन उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बार गाना सुनाया और उन्होंने कहा हाँ बेटा गाओ एंड एंड आई आई वाज लाइक ओके देन सिंगिंग एंड सबको काफ़ी पसंद आ रहा था फिर मुझे अच्छे से याद है अंतरे के बाद एक लाइन आती है चेहरे पर आई मेरे रंगति गुलाल की Uh, सूरज सर का कहना था कि uh, पलक आप बहुत अच्छा गा रही हो बहुत अच्छा साउंड कर रही हो लेकिन मुझे गुलाल नज़र नहीं आ रहा है एंड आई वाज लाइक मुझे पहले थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा है स्टेटमेंट कि गुलाल कैसे नज़र आएगा लेकिन फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया uh, वो एक्चुअली चाहते थे कि मैं अपने गाने uh, के थ्रू एक्ट करूं जो कि एक्चुअली एक प्लेबैक सिंगर का, का काम होता है हर एक लाइन पर वो एक अलग इमोशन चाहते थे फिर उन्होंने मुझे समझाया फिर उन्होंने मुझे एक्ट करके बताया कि वो किस तरह से गुलाल चाहते हैं फिर मैंने चेहरे पर चेहरे पे आई मेरी रंगतें गुलाल की जब गाया तब मुझे ख़ुद को गुलाल नजर आने लगा आसपास पास सो so, मैं गा रही थी चेहरे पे आई मेरे रंगतें गुलाल की एंड देन ही गाइडेड मी फिर uh, मैंने जिस तरह गाया वो शायद इससे मिलता जुलता था चेहरे पे मेरे, रंगते को की सो लाइक जैसे आप बुला लड़ाते हैं वैसा एटलीस्ट इमेजिनेशन में वो था एंड uh, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे उनके इनपुट्स थे uh, जिन्होंने ट्रांसलेट किया उस गाने को वो बनाने के लिए जो गाना है मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना प्रेशर होता है जब इतना बड़े इतने बड़े नाम आपके साथ में जुड़े हों लाइक राशि फिर सूरज जी फिर सलमान खान mm. फिर सोनम कपूर तो प्रेशर हो जाता है क्योंकि यार अब मुझे गाना गाना है उनको मुझे अपनी आवाज़ देनी है क्या सोचते हैं मतलब बतौर आर्टिस्ट क्या चलता है आपके दिमाग में प्रेशर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है डेफिनेटली लेकिन अल्टीमेटली मुझे अपना काम करना है मेरा जो दायरा है वो मुझे पता है मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझ पर डाली गई है वो मुझे पता है आ, सो मुझे अपने उस क्षेत्र में अपना हंड्रेड देना है और अल्टीमेटली मेरे लिए वही मैटर करता है अफकोर्स सलमान सर की हर फिल्म में गाना मेरे लिए बहुत, बहुत स्पेशल है बिकॉज उन्होंने मेरी शुरुआत करवाई है उसके बाद भी उनका गाइडेंस मिलता रहा है आज तक इट्स ऑलवेज स्पेशल टू सिंग फॉर इज फिल्म एंड राश्री प्रोडक्शंस के लिए गाना स्पेशली मेरे लिए uh, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात थी बिकॉज मैं रांची फैन रही हूँ बचपन से ही और uh, बहुत सारे उनके गाने सुने हैं बहुत सारी मूवीज देखी इनफैक्ट जब मैं पहली बार राज बाबू से मिली राज से तो uh, वो एक विवाह फिल्म का एक सीन नरेट कर रहे थे uh, प्रेम रतन की रिकॉर्डिंग के दौरान ही बीच में ब्रेक हुआ था और वो लोगों को सुना रहे थे उस सीन के बारे में तो आ, वो फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है देन मैंने ज़रूरत की सर को बोलने की कि सर आपने एक मोमेंट मिस कर दिया उन्होंने चश्मा नीचे कर कर मुझे दिखाज़ लाइक अच्छा तो आप बताइए मैंने क्या मिस किया है तो देन आई टोल्ड दैम कि पीछे बैकग्राउंड में आ, गाना आता है धीरज <coughs> धीर तेरी आई रे आई सजनी आए नहीं, नहीं पाई लिटरली इन हिज एंड दिस जस्ट टू शो कि वो कितने पैशनेट है अपनी फिल्म्स के लिए हर एक सीन के लिए हर एक मोमेंट के लिए और तब से uh, 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 जो राज बाबू के साथ मेरी बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत स्ट्रॉग हो गई थी जितने भी गानों की रिकॉर्डिंग हुई गाने की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वो रुकते थे मुझसे बात करने के लिए एक दो घंटे हम बात करते थे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे मेरे साथ सो दैट्स व्हाट आई सेड कि ये जो पूरा प्रोसेस रहा है गानों की रिकॉर्डिंग का आमतौर सॉन्ग इन हाफ एन आवर इट्स डन उतना ही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इन्वॉल्वमेंट रहता है राधा लेकिन इस फिल्म में आ, मैं बहुत आ, एक ज़्यादा स्पेशली स्पेशल तरीके से जुड़ी हुई थी सो अ वेरी वेरी एंड हिमेशी हिमेशी के साथ मैंने सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं अपने करियर में

Uh, सिर्फ उनके लिए गाया नहीं है उनकी वजह से मुझे पहला गाना मिला पहला ब्रेक उनकी वजह से मिला उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स को मेरा नाम रेकमेंड भी किया है और uh, मेरे मिशन में सौ बच्चों की सर्जरी उन्होंने करवाई है सो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे करियर में uh, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा है अब भी कुछ गाइडेंस देते हैं वो कुछ बताते हैं कि ये करना है ऐसे करना जी है। हाँ आज भी uh, ममा uh, पापा की बात uh, अगर मैं किसी की राय मानती हूँ अगर कहीं पर मुझे राय की ज़रूरत होती है तो मोनली uh, आज भी वो uh, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं uh, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉवर्ड टू अब आगे क्या अब आगे क्या सो ही हैज़ अ प्लान फॉर मी रेडी बिफोर आई थिंक ऑफ एनी प्लान फॉर माई सो आई एम ट्रूली टू हैव फिलहाल गाने की अगर बात करूँ मैं ये गाने तो हो गया फिलहाल हाँ। इस गाने की अगर मैं बात करूँ uh, इसके अलावा अपने चार गाने और गाए हैं उनके बारे में बताइए उसमें कैसा अनुभव रहा आपका आज सो रतन धन पायो में मैंने चार गाने गाए हैं देर वॉज जब तुम चाहो बहुत ही ज़्यादा यूनिक गाना था ये बिकॉज ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरी पूरे गाने में सिर्फ शिकायतें करनी थी और वो शिकायत भी बहुत <laughs> प्यार भरे अंदाज में करनी थी तो बहुत ही चकी इमोशन था वो बिकॉज उसके लिए कोई एक एग्ज़ाम्पल नहीं था हमारे सामने रेफरेंस नहीं था सो अगैन सूरज का गाइडेंस बहुत काम आया वो एक्चुअल एक्चुअली मुझे मेरे सामने एक्टिंग करते थे आ, इमोट करते थे जस्ट लाइक सोनम कपूर टू एक्चुअली एक्सप्लेन मी कि वॉट ऑफ इमोशन ही वॉन्ट्स फॉर द सॉन्ग फिर एक ठुमरी है छोटी सी चोरे बिन पिया वो मैंने गाई है और उसके अलावा थोड़ा मीठा थी ली थी चले दैट दॉन्ग ऑल्सो कोई भी ऐसी याद जो आप बताना चाहें जो भी कोई राशनी से रिलेटेड जो भी आप चाहें कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए वो बात राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की सबसे आ, स्पेशल बात यह है कि जब भी आप आ, किसी प्रोजेक्ट पर उनके साथ काम करते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा हैं ऐसा आपको फील करवाया जाता है और आप उसे अपना मानकर उस पर काम करने लगते हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कलाकार के लिए एंड सूरत सर राज सर पूरी रांची टीम uh, से जितना अपनापन मिलता है जितना प्यार मिलता है पूरे प्रोसेस के दौरान ऐसा लगता ही नहीं है कि एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है ऐसा लगता है एक फैमिली uh, जैसा माहौल है और सब मिलकर एक uh, परिवार जैसे काम कर रहे हैं सो so, ये आई थिंक सबसे यूनिक बात है रांची प्र भी अभी आपने बताया कि आप सेट पर गए थे तो सेट का क्या माहौल था जब आप गए जैसे मैंने कहा जिस तरह का माहौल स्टूडियो पर था बिल्कुल वैसा ही सेट पर था आ, मुझे याद है एनडी स्टूडियो में ही एक छोटा सा कॉटेज भी आ, बनाया गया था सलमान सर के लिए जहाँ पर वो रहते थे एंड वहाँ पर बिल्कुल परिवार जैसे सब इकट्ठा हो गए जिस तरह प्रेम रतन धन पायो की स्टोरी है तो सारे कास्टिंग क्रू वहीं पर साथ में लंचना करते थे एंड जब गाना शूट हो रहा था प्रेम रतन धन पायो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड तरीके से फिल्माया गया था सो वो सो हैप्पी कि इतना स्पेशल गाना था इतनी स्पेशली शूट हो रहा था सोरम वाज सो so, yeah, was... कुछ खाने को लेकर कुछ आपकी मेमोरीज थी सेट के ऊपर जिस तरीके से आपने अभी लंच का आपने ज़िक्र किया है अभी तो खाने को लेकर आपकी क्या मेमोरीज रही uh, जब भी मैं सेट पर uh, पहुँचती थी, थी वहाँ पर कुछ uh, यूनिक मैन्यू होता था आई रिमेंबर एक दिन तो पूरा चाट का वहाँ पर चाट की दुकान लगी थी वहाँ पर पानी पूरी थी छोले भटूरे <laughs> और ये सारी चीज़ें तो uh, अफकोर्स सभी लोग uh, खाने के बहुत शौकीन होते थे सेट्स पर सो एज आई सैर एक्चुअली अ फैमिली काइंड एनवायरमेंट कांडवायरमेंट हमने रोशनी के टीवी शो में भी अपने गाना गाया का हैं उसके बारे में कुछ बताइए सो कोइंसिडेंटली इंसिडेंटली जिस दिन मैंने प्रेम रतन धन पायो रिकॉर्ड किया उसी uh, सुबह मुझे राश्री के सीरियल के लिए गाना गाना था और मुझे नहीं पता था कि इसके बाद भी मैं राश्री प्रोडक्शंस के लिए ही शाम को रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ सो ये आ, जो गाना था मेरे रंग में रंगने वाली सीरियल के लिए था टाइटल सॉन्ग जो कि सूरज सर के बेटे आ, का प्रोजेक्ट था एंड या अगेन बिल्कुल वैसा ही वाइब था स्टूडियो में गाना भी बहुत आ, बहुत ही मधुर था अलग आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि आप काम कर रही हैं राश्री के साथ में बोथ माई पेरेंट्स वली हैप्पी जिस तरह मैंने कहा ना सिर्फ मैं uh, बल्कि uh, मेरा पूरा परिवार राष्ट्रीय प्रोडक्शन आई थिंक इंडिया का हर परिवार राष्ट्रीय प्रोडक्शन्स का फ़ैन रहता है और जब हमारी फंक्शन होते हैं मारवाड़ी इसमें बहुत फेमस है महिला संगीत uh, तो सारे गाने राष्ट्रीय के ही हम आपके हैं कौन मैंने प्यार किया uh, हम साथ, -साथ हैं इन्हीं गानों का हम सुन सुनकर बड़ा हुए बड़े हुए हैं uh, इन्हीं गानों के साथ हमने हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है आ, तो मुझे मेरे लिए पूरे परिवार के लिए एस, आ, एक 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 जश्न का माहौल था हमारे घर में ऐसा लग रहा था कि मैं एक नए सेलिब्रेशन का पार्ट बनने जा रही हूँ वे वो सो एक्साइटेड लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से जो भी कहना चाहें आप थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आ, मुझे अपनी पलकों पर बैठाने के लिए आशा करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर इसी तरह खरी उतरती रहूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहेगा थैंक यू सो मच पलक आपसे बात करके हमें बहुत मज़ा आया उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके बहुत मज़ा आया थैंक यू मैडम सेवेंटी फ़ाइव ईयर्स बहुत ही लंबा समय होता है इतने लोगों के दिलों को छुआ है इस प्रोडक्शन ने उनकी फिल्म ने उनके संगीत ने एक छोटा सा हिस्सा राशि परिवार का मैं भी हूँ बहुत बड़ी खुशनसीबी मानती हूँ मैं इस बात को बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है राशि और मेरा बिकॉज़ फिफ्टीन ऑगस्ट को ही मेरे करियर को भी दस साल पूरे हो रहे हैं राशि परिवार को सेवनटी फाइव कंप्लीट करने के लिए मेरी ओर से खे सारी शुभकामनाएं